वेलकम टू कश्यप आर्ट। आज के सेशन में हम देखेंगे कि जो स्किन का जो पार्ट रहता है स्किन टोन, वो कैसे बनाना है कैसे नहीं, पूरा जो चिक्का पोर्शन है वाइड पोर्शन है वो पूरा कैसे बनाना वो देखेंगे। बहुत सारी बातें ध्यान में रखने की रहती है, अच्छे से आपको रेफरेंस को देखना रहता है, समझना रहता है कहाँ पर क्या गलती है, कौन सी बातें ध्यान रखनी है, शेडिंग टोन क्या है, डार्क टोन, मिड टोन, हाईलाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट कहाँ पर है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए वर्क करना रहता है, पॉइंट को शार्प रखना, और ये जो हाईलाइट का जो पोर्शन है वो बहुत अच्छे से आपको देना है। इन छोटी बातों से जो आर्ट की ब्यूटी है वो बढ़ती है। अभी नीचे का जो पॉइंट है वो थोड़ा सा डार्क है, वो तो डार्कनेस के लिए हम पेंसिल को यूज़ करना है, एकदम नज़दीक से पकड़ना है, पॉइंट शार्प रखना है, और नोज़ के नीचे का जो पार्ट है वो यहाँ पर देखोगे तो थोड़ा सा लाइट है, वो लाइट होगा, एकदम डार्क नहीं होगा। तो बहुत बार नोज़ के नीचे का जो पोर्शन है हम डार्क कर देते हैं, वो नहीं करना है। और जितना आप शेडिंग करोगे, अगर आपको लग रहा है लाइन्स है तो पूरा अपोजिट क्रॉस हैचिंग करिए, हैचिंग के साथ क्रॉस हैचिंग भी कर सकते हैं। जहाँ पर डार्क पोर्शन है तो वो डार्क पोर्शन करना है, लाइट है तो लाइट करना है, मिड टोन तो मिड टोन देना है, लेकिन उसी के हिसाब से आपको वर्क करना है। यहाँ पर देखोगे तो पता चलेगा कि नोज के नीचे थोड़ा सा लाइट है और नीचे डार्क है, तो वैसा टोन हमारे वर्क में होना चाहिए। तो रेफरेंस को जितना समझोगे, अच्छे से देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, उतना ही अच्छा वर्क कर सकोगे, और अच्छा वर्क बनाने में टाइम लगता है। तो ये बात दिमाग में रखनी है हमेशा, सो नेवर गिव अप बिकॉज ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, ये आपको दिमाग में रखना है। दूसरी बात, यहाँ पर जो पोर्शन है, यहाँ पर देखोगे तो नीचे का पार्ट है थोड़ा सा लाइट है, लेकिन एच बी का एक लेयर आपको दे देना है, जिसकी वजह से नेक्स्ट जो लेयर है वो हम अच्छे से दे सके, बना सके। तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप देखते जाना है, वर्क करते जाना है, और पूरा वर्क हमें बनाना है। जो चीक का जो पोर्शन है वहाँ पर थोड़ा सा क्रॉस में जाना है, वो लाइट ना होना चाहिए, लाइंस ना हो जाए, इसका ध्यान रखना है। वीडियो स्किप के बिना आपको पूरा देखना होगा, तभी पता चलेगा कैसे करना है कैसे नहीं। अगर स्किप करने जाओगे तो पता ही नहीं चलेगा क्या बनाए क्या नहीं। ओके, तो इस बात का ध्यान रखते हुए वर्क करो। आगे क्या है कैसे करना है उसे पूरी इंस्ट्रक्शन दी गई है। ब्लेंडिंग कैसे करना है, किस तरह करना है, वो आप देखो, ब्लड टिश्यू पेपर से या फिर ब्लेंडिंग से किससे करना है वो आप देखोगे तभी पता चलेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, देखते जाओगे, तो जो गाइडेंस है, इंस्ट्रक्शन है, वो मिलते जाएगी। सो स्किप मत करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फेस का जो पार्ट है, आइज के नीचे का जो चिक का पोर्शन है साइड पे, सो पूरा यहाँ पर बताया है, तो वो अच्छे से देखोगे तभी पता चलेगा। चिक्का ये जो पोर्शन है वो जब भी बनाते हैं तो बहुत ध्यान में रखते हुए करना है, एकदम लाइंस ना हो जाए इसका ध्यान रखना है, शेडिंग के हिसाब से जाना है। ओके, और ये जो पॉइंट है वो भी हल्के हाथों से लाइटली आपको जाना है, बनाना है। नीचे लाइट है तो लाइट छोड़ देना है, और जैसे चिक की ओर से जो वाइड बाहर का जो पोर्शन है उसके लिए आपको क्रॉस में पेंसिल को अप्लाई करना है, वो एकदम स्ट्रेट नहीं रखना है या फिर वर्टिकल उस लाइन में नहीं रखना है, वो थोड़ा क्रॉस रखना है। हैचिंग और क्रॉस हैचिंग आएगा यहाँ पर जैसे बताया है, वैसे आपको पूरा ये करना है। तो ये जितना अच्छे से करोगे उतना अच्छा वर्क होगा। ध्यान रखें कि लाइन्स ना हो जाए, पूरा प्लस माइनस जैसा ना हो जाए, इन बातों को ध्यान में रखते हुए पूरा ये वर्क करना है। ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए फॉलो करें कश्यप आर्ट। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका जो पॉइंट है वो सारा वर्क कैसे करना है, तो नीचे लिंक फोटो की जो इमेज है वो नीचे लिंक में दी हुई है, या फिर आप मैसेज करें, आई वांट दिस इमेज, आई वांट टू मेक दिस पोर्ट्रेट, एंड आल्सो यू कैन फिल द फॉर्म विच इज़ इन डिस्क्रिप्शन, गो एंड फिल द फॉर्म फॉर फ्री क्लास। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, फॉर आर्ट, बाय आर्ट, विथ आर्ट, लर्निंग एंड ग्रोइंग टुगेदर। ऐसे ही आर्ट की बात है, आर्टिस्ट की बात है, इंस्पिरेशन की बात है, मोटिवेशन की बात है, यहाँ से मिलती रहेगी। जुड़े रहे हमारे साथ, सपाट के साथ, एंड ये लास्ट वीडियो है,
सो होप आपको अच्छा लगा होगा सारे वीडियोस, आईज कैसे बनाना, टीथ कैसे बनाना, लिप्स कैसे बनाना, वो सारी बातें अगर आपने आपको सीखने को मिला कमेंट में ज़रूर बताएं कि सीखने को मिला या नहीं, कौन सी बातें सीखने को मिली। फॉर मोर लर्निंग कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। Thank you.